बैक टू असलम क्लासेस, एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और परसेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लैंड प्राइस, कोई जमीन है ना उसका जो प्राइस है उसका जो मूल्य है वो कितना है, 8 लाख रुपीज है, ठीक है ना, कितना है, 8 लाख रुपीज है। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो इस जमीन को बिकवा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे परसेंट डिमांड चाहिए, यानी कि क्या चाहिए उसे, उसे परसेंट चाहिए, कितना उसे चाहिए, परसेंट कितना चाहिए, 2% चाहिए उसे जमीन पर, तो उस व्यक्ति के कितने रुपए बने, ये बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए जमीन का जो प्राइस है वो कितना है, जमीन का रेट कितना है, जमीन का मूल्य कितना है, वो है 8 लाख रुपीज, है ना, 8 लाख रुपीज। अच्छा व्यक्ति को कितने परसेंट चाहिए, 2% चाहिए, है ना, 2% चाहिए, तो आप यहां लगा लीजिए 2%। अब देखें 8 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू, आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना, 2 इसको तो आप यहां लगा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि परसेंट को हटा के आप क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो आप क्या लगा दीजिए यहां पर, 100 लगा दीजिए, है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहां पर, अब कितने नंबर बचे यहां पर, तो यहां बचा आपके पास में, देखिए आप क्या कर लीजिए इस 2 की 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 8 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं, आप 16 लिख लीजिए, है ना, और 1 2 3 तीन जीरो बचे तो आप लगा लीजिए 3 जीरो, तो यहां पर कितना हो गया, ये जो है उस व्यक्ति की वो रुपए निकल के आए हैं जो वो कमीशन मांग रहा है, कितने पर, 8 लाख पर 2% के हिसाब से उसके कितने बने, 16,000 रुपए बने, तो ये क्या है उसके रुपीज है, ये क्या है डिमांडेड रुपीज है उसके, क्या है ये डिमांडेड रुपीज होगा उसके, है ना, उस व्यक्ति के 16,000 रुपए उसके क्या हो गए, डिमांडेड रुपीज हो गए। तो दैट्स अ वेरी इजी, आपको कुछ भी नहीं करना। अच्छा बहुत एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है निकालने का, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखें दैट्स अ वेरी इजी, वेरी सिंपल, है ना। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके इट्स नाउ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।